और एक बार नया वीडियो के साथ स्वागत है आप सभी का। आज मैं दिखाता हूँ आपको मोटर कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, कौन सा अच्छा चलेगा, कौन सा अच्छा नहीं चलेगा, वो अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखो उषा कंपनी का है, उषा का आता है, ये टाइप में उषा का आता है, स्वागत आता है, नेशनल आता है, सोनी का आता है, आप कैसा भी ले सकते हो। इधर देखो RPM 8500, इसका RPM है 8500, मतलब बहुत फास्ट नाटेगा। अभी पिक्चर कौन सा दिखा रहा हूँ ना, वो सब कपड़ा सीगा पूरा, और 8 पदर सियो, 10 पदर सियो, 16 पदर सियो, ये फास्ट खींच लेगा मशीन को। इधर RPM, इसका HP रहेगा बुल, मेड इन इंडिया माल रहेगा मशीन। और एक बार और एक मशीन दिखाता हूँ, और इसके साथ एक्सलेटर आएगा, और दो टू पिन का आएगा एक्सलेटर, पिन दो का आएगा आपका, दो का रेगुलर गर्मी वापरते वही चलेगा गर्मी। अभी मैं आपको सम्राट का दिखाता हूँ, सम्राट का कैसा आएगा, जर्मन कोटिंग का आएगा जी, जर्मन कोटिंग का आएगा, और इसका RPM होगा 2900, ये 3 पिन का आ जाएगा, और ऊपर का भी स्विच का भी 3 पिन का आ जाएगा। अभी ये सम्राट का है देखो, यल्लंकी पाना बैठेगा इससे, एक बार टाइट किया तो और एक बार नहीं निकलेगा। सम्राट कंपनी, इसका डिटेल्स पूरा समझाता हूँ। उधर पे देखो रजिस्टर 650841, कभी भी सम्राट मोटर बड़ी मोटर लिए तो उसके ऊपर रजिस्टर रहना चाहिए, वो रजिस्टर गवर्नमेंट का रहता है। और इसका RPM देखो, RPM थोड़ा क्लियर, RPM 2900, RPM 2900 का RPM है। इस ये RPM क्या है, इससे समझो 10 पदर, 12 पदर, 16 पदर कपड़ा नहीं खींचेगा, और इसका आवाज़ भी स्मूथ, इसका आवाज़ मिक्सर के जैसा आएगा, और इसका सम्राट का आवाज़ पंखे के जैसा आएगा, पंखे के जैसे। और ये ओरिजिनल अहमदाबाद में तैयार होता है, मेड इन इंडिया माल है, ये भी मेड इन इंडिया माल है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं इनका आवाज़ भी सुनाता हूँ, और इसके बॉक्स के ऊपर का भी दिखाता हूँ, बॉक्स के ऊपर का बॉक्स दिखाता हूँ, बॉक्स कैसा रहता है। और उसका 3 पिन का रहेगा, आपका 3 पिन का ही रहेगा। आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो, ये तो होता ही है, बनता ही है, पैसा नहीं खर्चा होगा भैया। 3 पिन का रहेगा, आप पूरा अंदर लगाओ, बाहर लगाओ, चलेगा कुछ भी नहीं, टच हो गया तो स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं इसका पिन भी दिखाता हूँ, पिन 3 पिन का आएगा, ऐसे रेगुलर आपका 2 का ही भी रहता है, 3 का भी रहता है। हाँ जी, अभी मैं इसका बॉक्स दिखाता हूँ, बॉक्स कैसा है उसका पूरा देखो, कृपया ध्यान दे, पूरा रहता हूँ इसके अंदर, हमेशा रजिस्टर ट्रेडमार्क भारत सरकार द्वारा प्रभाव प्रमाणित देख के ही सम्राट एक्सलेटर प्रेस सम्राट प्रोडक्ट खरीदना। इधर ओरिजिनल का है, और इसके अंदर रजिस्टर ट्रेडमार्क, कुछ एक्सलेटर के बॉक्स होते हैं उसके ऊपर रजिस्टर ट्रेडमार्क नहीं लिखा होता है, जिसका गवर्नमेंट से रजिस्टर नहीं हुआ होता है। इसके अंदर बहुत तरह तरह के सम्राट मोटर्स होते हैं, जैसे सम्राट आप मोटर ले सकते हो, दूसरे कंपनी भी ले सकते हो, पर उसके ऊपर रजिस्टर नंबर चाहिए, उतना ही रजिस्टर नंबर ही मेन है। इधर देखो ऑटो ऑयल मशीन, ऑयल 1 HP क्लॉथ, क्या क्या है भाई साहब। अभी इसको आगे लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको सम्राट के बारे में, और ये सब नीचे डिटेल्स रहेगा उसका, शिविंग मशीन मोटर्स करके अहमदाबाद में तैयार होता है मोटर, हमारे गांव कर्नाटक को आता है। आपको मोटर चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा लिंक, और आपके स्क्रीन के भी ऊपर भी मैं डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके पूछ सकते हो रेट। और इसका रेट भी बताता हूँ आपको, 1000 रुपये पकड़ के, 1000 का भी है, 1200 का भी है, 1500 का भी है, 1800 का है, 2200 का भी है, और लास्ट एंड 3000 का भी है जी, 3000 का मोटर। अभी इंग्लिश में भी दिखाता हूँ, यहाँ देखो सब पढ़िए भैया, रजिस्टर ट्रेडमार्क गवर्नमेंट्स का आता है ये सभी। अभी मैं दोनों स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा आपको, और उसका साउंड भी दिखाऊंगा, साउंड देखो, और आप ही बोलो कौन सा मोटर लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा, और आप ही बोलो मुझे। अभी मैं साउंड पॉज करता हूँ और आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, आप साउंड देखो, आप ही बताओ आपका क्या कहना है इन मोटरों को देख के। ये मोटर मिक्सर के जैसा साउंड करेगा ही करेगा,
और एक मोटर दिखाता हूँ, अभी सम्राट का दिखाता हूँ स्टार्ट करके। और इसका देखो आपको 2 महीने के बाद इसका अभी पिन काटा हूँ मैंने, 2 महीने के बाद आपको ब्रश बदलना ही बदलना है, क्योंकि इसका ब्रश ख़त्म होता है, कार्बन का मोटर होता है। एक्सेलेटर को घसता अंदर, आर्मेचर को घसता रहता है, उधर भी साइड रहता है इधर भी साइड रहता है। आप पिन कार्ड के ही एक ब्रश चेक करना, क्योंकि आपको करंट लग सकता है, इसके अंदर करंट का काम होता है। और एक बात बताता हूँ आपको, ये मोटर है ना महीने को 50 रुपये खाएगा, 50 रुपये लाइट बिल। इसे थोड़ा डंडे को सरकाते हैं अभी सम्राट के बाप के, सम्राट के पास आते हैं। इसका देखो मोटर का साउंड आपको सुनाता हूँ, इसका आरपीएम भी बोल चुका हूँ मैं, 2900 आरपीएम होगा इसका। और आपको साउंड स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अरे पिन बार जल्दी, भैया आप ये साउंड को सुन के बहुत हैरान हुए होंगे कि ये साउंड क्यों नहीं कर रहा है। असलियत में इसका साउंड ही नहीं आता है मोटर का, क्योंकि इसका आरपीएम 2900 रहता है, इसका साउंड ही नहीं आता है। और ये मोटर मैं कहता हूँ आपको, इसका असलियत खासियत पूछो कहे तो, आप इसमें महीने को 10 या 15 रुपये करेंट बिल खाता है ये मोटर, 10 या 15 मिनट। आप स्लो भी भगा सकते हो और फास्ट भी भगा सकते हो, मगर इसके अंदर 10 पदर या 11-12 पदर के कपड़े नहीं सिए जा सकते, क्योंकि उससे धुआं उगता है। आप डुप्टी सीते होगे तो इसके लिए तो मोटर मत लो, ये उषा कंपनी का मोटर लो, ये चलेगा आपको, उषा कंपनी का मोटर आपको ये चलेगा। एक्सलेटर फुल हाई स्पीड होगा, ये तो फुल हाई स्पीड होगा, समझो ये ये गाड़ी है और सम्राट मोटर साइकिल है, साइकिल महंगे में मिल रहा है और गाड़ी सस्ते में मिल रहा है, ऐसा ही समझो। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो।